प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से एक मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर बना दिया गया है, आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन, ये भी बोर्ड पर ड्रॉ कर दिया गया है। इन दो क्वेश्चंस के लिए वीडियो बना रहा हूं। जेईई और नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होते हैं और ये पूरी वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हैं वे दो क्वेश्चंस। यस प्यारे बच्चों, जेईई एंड नीट फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई कॉन्सेप्चुअल है दोनों क्वेश्चन, और वैसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने ही चाहिए तभी क्वेश्चन होता है। पहले पूरा फोकस मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस पे करना। ये लूप इस करंट कैरिंग वायर की तरफ मोशन स्टेट में है, इसमें करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा अगर होगा तो, और रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स रहेगा इनके बीच में, अगर होगा तो इनमें से कोई एक ही होगा। तीनों के लिए कंडीशंस हैं। कंसीडरिंग पार्ट ए के ऑप्शन कौन कौन से होंगे, पार्ट बी के ऑप्शन कौन कौन से होंगे, पार्ट सी के क्या क्या हो सकते हैं, देख ये इसकी तरफ आ रहा है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उन पॉइंट्स पर फील्ड अंदर की तरफ होगा, राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग या किसी भी रूल से अंदर की तरफ होगा। और जैसे जैसे इसके पास है ये लूप आ रहा है, वो अंदर की तरफ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जा रहा है, लिहाजा फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस करंट डेवलप होता है, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है, रास्ता मिलता है तो करंट डेवलप होता है। यहां रास्ता पूरा लूप क्लोज है तो करंट फॉलो होगा, यानी इनमें से कोई एक तो निश्चित रूप से है। ये करंट जो डेवलप होगा ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होगा और इसके इस मोशन का विरोध करेगा, यानी कि पास आने से रोकेगा, फोर्स उधर लगेगा, यानी रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी कि एस इसका सही, आर इसका सही है, अपीयर क्यूब में से क्या सही है देखिए जरा। जब रिपल्सन दो तरीके से आपको बताता हूं, पहले देखिए ये रिपल्सन वाले ही ले लीजिए पहले केस, जब रिपल्सन लगेगा तो ये उससे दूर जाएगा, सेम वायर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होने में अट्रैक्शन होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन होता है, इसका प्रभाव ज्यादा रहा होगा इसका कम पड़ेगा, तो इसको देखते हैं। अगर रिपल्सन होना है तो फोर्स नीचे जाएगा तो ऐसे घूमेगा, और ऐसे घूमेगा तो नॉर्थ पोल जैसा ये काम करेगा, नॉर्थ पोल जैसा काम करेगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। पहला तरीका। दूसरा तरीका सोचने का, जैसे जैसे ये इधर जा रहा है अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जा रहा है, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करंट डायरेक्शन ऐसी होगी जो इस बढ़ते हुए करंट का अपोज करे, उल्टा फील्ड डेवलप करे, बाहर निकलता हुआ फील्ड यानी कि नॉर्थ पोल बने, नॉर्थ पोल बनाता हुआ करंट होना चाहिए, नॉर्थ पोल बनाता हुआ करंट होना चाहिए अर्थात एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। दूसरा मेथड सोचने का, दोनों ही सही है।
यस। नेक्स्ट है, इस करंट के कारण फील्ड इनसाइड है और करंट के इंक्रीज होने से वो इनसाइड फील्ड स्ट्रांग होता जा रहा है। सवाल कैसे होगा? स्ट्रांग होता जा रहा है यानी कि उसके अंदर करंट ऐसा डेवलप होगा जो उस स्ट्रांग होने का विरोध करे बाहर की तरफ या नॉर्थ पोल वर, यानी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होना चाहिए। क्यों? और जब ऐसा करंट फ्लो होगा तो नीचे जाएगा करंट या ऊपर जा रहा है, यानी रिपल्सन। सेम हो, आइए तीसरे बात है, इस करंट के कारण उन पॉइंट पर फील्ड अंदर होगा, अंदर, और इसके दूर जाने से वो फील्ड वीक होता चल जाएगा। अंदर जाता हुआ फील्ड, अंदर जाता हुआ फील्ड अगर वीक हो रहा है इधर जाने से, तो वो इधर तो फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, यानी अंदर जाता हुआ फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगा, साउथ पोल बनाने का प्रयास करेगा, यानी करंट ऐसा जाना चाहिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पी। और जब क्लॉकवाइज करंट जाएगा तो नीचे जाएगा, सेम डायरेक्शन में, सो अट्रैक्शन फ्लो एस। इसको भी आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, अगर ये शांत रहता तो कोई फ्लक्स चेंज ना होता, इसके इधर चलने से फ्लक्स चेंज हुआ है, यानी कि इधर चलने का विरोध होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन एस। और जब अट्रैक्शन होगा तो आप समझ चुके होंगे अट्रैक्शन जो भी होता है जब सेम डायरेक्शन में होता है, यानी इधर नीचे जाएगा इधर से ऊपर जाएगा, यानी कि साउथ बनाएगा, यानी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो। ओके, ये था आपका मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद मैं सस्ता कर देता हूं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर ध्यान देंगे। जितना डायग्राम बना हुआ है वो मैंने यहां लिख दिया, बाकी जो बोल रहा है, एक कंडक्टर पी क्यू आर स्ट्रेट नहीं है, बीच में से बैंड है, ऑफ लेंथ 0.6 मीटर, 0.6 मीटर है और रेजिस्टेंस 1 ओम है, 0.6 मीटर हाफ ऑफ है, 0.6 का हाफ 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, तो 0.6 मीटर हो गया और रेजिस्टेंस है 1 ओम, रेजिस्टेंस पूरा पूरा 1 ओम है कुल मिलाकर, 1 ओम पूरा वायर का, पी क्यू आर का। मूव्स ऑन टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल सी डी एंड ए बी विद यूनिफॉर्म स्पीड वी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी इज इक्वल टू 5 टेस्ला, अंदर जाता हुआ फील्ड बी इज इक्वल टू 5 टेस्ला। इस मैग्नेटिक फील्ड और इस पॉइंट बी से कंफ्यूज होता है ना, उसे कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 5 टेस्ला। द रेल्स आर कनेक्टेड बाय टू रेजिस्टेंसेस एज शोन, 6 ओम 3 ओम इन द फिगर। मैकेनिकल पावर नीडेड फॉर द मोशन इज 3x वाट, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x।
यानी कि आपको मैकेनिकल पावर नीडेड चाहिए, मैकेनिकल पावर इसको वहां सरकाने के लिए, चलाने के लिए। उसे वो 3x के रूप में हम अपना चेंज कर देंगे बाद में। चलिए जी, इसके ये दो कंपोनेंट होंगे, इसके इधर चलने से ये वाला कंपोनेंट फीड फ्लक्स लाइन को कट नहीं कर रहा, ये वाला लाइन इन फील्ड लाइन को कट 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 करे, ये वाला कंपोनेंट कट कट नहीं करे, फ्लक्स लाइंस को कट करने का इसका केवल ये कंपोनेंट काम आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है बस। तो सबसे पहले कितना इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अप्लाई हो जाएगा ये निकालना, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस इट इज dVL, b देखा सीधा 5, स्पीड है 4 और मामला लंबाई का है, तो 0.3 का कॉस कंपोनेंट ये हो जाएगा और साइन कंपोनेंट ये हो जाएगा, 0.3 का साइन कंपोनेंट, 0.3 का साइन 30 कंपोनेंट और इनटू 2 इतनी लंबाई, ये टोटल लंबाई है, पर इसका ये वाला कंपोनेंट ही काम कर रहा है जो फ्लक्स लाइन को कट कर रहा है, वही बताइए है। ओके, तो साइन 30 1.2 से 2 कैंसिल और 520 यानी कि 6 वोल्ट ईएमएफ डेवलप हो गया। अब देखिए इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये जो वायर है ये एक सेल का काम कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस में दे रखा, इसने इसमें विद रेजिस्टेंस 1 ओम इसका रेजिस्टेंस दे रखा, ये कट करती है रोड, हालांकि बीच में मुड़ी हुई है, 6 वोल्ट एक सेल की तरह काम कर रहा है जिसका रेजिस्टेंस इसके इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। तो देखना इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऐसे फील्ड में जब उधर चलेगा तो कहां उसे फोर्स लेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड टू फील्ड अंदर और ये रॉड उधर जा रही है तो करंट उल्टा जा रहा, फोर्स नीचे ले, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी ये चीज एक ऐसे सेल की तरह काम करती है, वो रॉड एक ऐसे सेल की तरह काम करेगी कि जैसे सेल का मुंह ऊपर, तब करंट पड़ जाएगा यानी करंट इलेक्ट्रॉन नीचे है और नीचे है, यानी इसका मुंह ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की ओर, ऊपर की 6 वोल्ट का और खुद का रेजिस्टेंस इसे इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा 1 ओम, ये बीच से मुड़ी हुई रोड इस सेल इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा जैसा काम कर रही है और यहां से जाने वाला करंट दो जगह बढ़ गया, इन्हें फ्लो होने वाला मिल रही है, यानी दोनों पैरेलल में, तो इनका एक ही पैरल कॉम्बिनेशन बना दीजिए बस, 6 × 3/6+3 18/9 यानी कि 2, इन दोनों बदले सिंगल आए, ये रेजिस्टेंस है और आपको कितनी पावर इस सर्किट में है ये निकालने दर्शो, सिंपल एकदम। तो सीधा पावर पहले आई निकाल दीजिए, पहले आई निकाल दीजिए सुन, वैसे तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकल जाएगा कितना सेल इस वो जो करंट डेवलप होगा वो टोटल रेजिस्टेंस पे ही इफेक्टेड, तो आप
उससे निकाल दीजिए V और R के फॉर्मूले से, पावर नीडेड V स्क्वायर अपॉन R, V आ गया 6 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 36 अपॉन 3 स्क्वायर इज 3 इंटू 4, वो कह रहा पावर 3x है तो x इज 4, hence x इज 4 आंसर। तो आपने देखा इस डायग्राम में अगर BVL का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुरंत कितना आसान डायग्राम बन गया और टोटल इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थे, बेहतर क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं क्वेश्चन कर करके और मजबूत हो जाते हैं, तो लगातार करते रहे क्वेश्चन और JEE और नीट की तैयारी करने वाले बच्चे मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं अगर मेरी हेल्प की आवश्यकता पड़ती है तो, मुझे खुशी मिलेगी। ओके बाय।